मुझे नहीं लगता ये सब तुम्हें अब पहनना चाहिए लाजो। बेबी, तुम ऐसे मिरेकल्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो उससे? तुम अब भारद्वाज परिवार की बहू हो, तुम्हें अपना टेस्ट बदलना होगा, अपना रहन सहन, कपड़े, तौर तरीके, तुम्हें हमारे परिवार के स्टेटस के हिसाब से चलना होगा। तुम अब ये सब नहीं पहन सकती। हमको माफ कीजिएगा, इस सब भेंट का ना आपका नजर में कोनो कीमत नहीं। हम जानते हैं कि जो लोग आपके घर में काम करते हैं उल्का पहनेंगे भी नहीं। पर हमारी नजर में नजर में ना ये भेंट बहुत ही अनमोल है। ये सब हमारे बापूजी का खून पसीना से कमाया हुआ पैसे से है। कैसे कैसे खरीदे होंगे ना ये हम जानते हैं, उधार सुधार कैसे भी करके। ये केवल भेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे माए बापू जी का प्यार और आशीर्वाद है। हमारी ना दो छोटी छोटी बहन है, थानी और लाखी, बहुत जिद की होगी। दीपावली में माए हमको ये दिलाओ, बापू जी हमको ये दिलाओ, लेकिन बापू जी उनका एक भी जिद नहीं माने होंगे। जानती हो का है उनका ये सब के लिए, आपका परिवार के लिए, हमरे लिए जो खरीदना था। हम ना एक का बेइज्जती नहीं कर सकते। ने सुना मॉम, उसने क्या कहा? How rude! साड़ी तो नहीं पहनती, मैं अपनी भांजी को दे दूंगी। भाई कहीं भेजे सब, कहीं भेजे।
गया। नाचो। नाचो प्लीज दरवाजा खोलो। भैया मेरे ख्याल से लाजो सो गई है। जानता हूं मैं उसे। She's very upset. छाया दीदी बता रही थी उन्होंने डिनर भी नहीं किया, दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। Obviously यार, she is very hurt. पता है गुंजा, I can't believe मॉम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है यार, it's just unacceptable. I know भैया, मैं तो उस टाइम ट्यूशन गई हुई थी, जब घर आई तब छाया ने मुझे बताया सारी बातें, जो भी कुछ इस घर में हुआ आज। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? ताई जी से बात करने। ट्रस्ट मी भैया, कुछ फायदा नहीं है, प्लीज और कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। यार ठीक नहीं हुआ लाजो के साथ, जस्ट डू समथिंग, कल बात करियो उससे, बस मूड चेंज कर, बाहर ले जा, जस्ट चीयर हर अप, हाँ कुछ भी करके। भैया डोंट वरी, मैं उनका मूड ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी, आई प्रॉमिस। चल गुड नाइट। गुड नाइट भैया। तो भूल ही गया था, कल दिवाली है। दे देना यार प्लीज, अर्जेंट काम आ गया मुझे, प्लीज। भैया आप देख ही रहे हो मैं बिजी हूँ, हट यहाँ से। अरे बिजी है तू? हाँ। चल तुझे अभी फ्री करता हूँ, चल। भैया आइए दीदी, भैया कुछ नहीं है, मुझे छोड़े। हेडफोन्स। भैया छोड़ो ना प्लीज। हाँ हेडफोन्स। भैया भैया हेडफोन्स हेडफोन्स चाहिए मुझे जल्दी। भैया छोड़ो ना। हाँ? अच्छा छोड़ोगे तभी तो निकालूंगी ना। पक्का? हाँ। चल अबे चल ना, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी चल।
That's like my good girl. प्यार से दे देती। ऐ भी इन्हें ड्रामे करने की क्या जरूरत है? इशारा का चमचा? गुंजो? यही सब तो होता है एंड यू हेट ऑल ऑफ इट बिकॉज़ इट्स रॉन्ग या आई मीन दिवाली ऐसे ठंड मनाई जाती है दिवाली का मतलब होता है जलते हुए दिए जगमगाती रोशनी वॉल्यूम ओह धूमधड़ाम से मनाने के बजाय क्या पीसफुली दिवाली नहीं मना सकते क्या इनफैक्ट आई वाज वंडरिंग कि लक्ष्मी जी पे इतने साउंड ऑफ पोल्यूशन क्यों La 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 Nikhil, you don't have to do all this. Do what? मेरा मतलब है कि यार तू सबके साथ दिवाली भी तो मना सकता है ना ये सब मेरी वजह से ना Yes, you're right. I don't have to, but honestly, I don't want to. मुझे भी ये, you know, दिए पटाके कैंडल्स की बिल्कुल फील नहीं तो फिर तू दिवाली कैसे मनाना चाहता है तेरे साथ मेरे लिए दिवाली का मतलब है ईशान दिवाली का मतलब होता है हैप्पीनेस और मेरी खुशी है तू मेरे लिए दिवाली का मतलब है ब्यूटीफुल चेहरे की क्यूट सी स्माइल एंड नाइट्स का मतलब है ये बड़ी बड़ी चमचमाती आंखें जिसमें मुझे अपना फ्यूचर हमारा फ्यूचर एकदम ब्राइट दिख रहा है फिल्मी ना निखिल फिल्मी या फिल्मी होता ना तो बोलता मुझे ना इन पटाखों की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे सामने इतनी रंग बिरंगी फुलझड़ी खड़ी है In fact, फुलझड़ी नहीं, बॉम्ब, एटम बॉम्ब। निखिल तू चीज़ी हाँ? Happy Diwali. Happy Diwali. मुझे पटाखे पसंद हैं। दीपावली का खुशी का त्योहार है हम उदास कैसे रह सकते हैं
हैप्पी दिवाली लाजो। अरे गुंजा हैप्पी दिवाली यूटू टू। अब क्या बात है, बहुत खुश लग रही हैं आप। खुश काहे नहीं होंगे गुंजा, आज तो खुश होने का दिन है ना। और वैसे भी खुशी ना हर मर्ज का दवा होता है, उस दिन बोले थे ना तुमसे। हाँ हाँ याद है लाजो, जब आप हंसती हैं ना बहुत खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू। कल रात को मैं और भैया आए थे आपसे बात करने के लिए। जो कुछ भी ताई जी ने किया, भैया बहुत अपसेट थे उससे। वो पता है वो आपका मूड ठीक करना चाहते थे, आपको हंसाना चाहते थे, पर शायद आप तब तक सो चुके थे। अरे गुंजा काहे उनको ये सब बात बता दी, खामखा परेशान हो गए होंगे ना वो। वैसे एक बात बोले, तुम और तुम्हारे भैया ना हमको लेके बिल्कुल भी चिंता मत किया करो। हम ना इस घर में बहुत ज्यादा खुश हैं, सच्ची। अच्छा एक बात बताओ, कैसी लग रही है हमारी नई साड़ी? बहुत प्यारी लग रही हो इसमें, है ना? पर एक चीज की कमी है। कहाँ? इधर आओ। अरे कहाँ? अरे कहाँ ले जा रही है? इधर आओ। अब ठीक है, आज तो दिवाली है, संजय संवरने का दिन है। हम भूल ही गए थे बिंदी लगाना। चलो आपको कुछ दिखाना है। कहाँ? कलर्स, मैं बहुत सारे कलर्स लेके आई हूँ रंगोली बनाने के लिए। सच्ची? कौन बनाने वाला है रंगोली? उषा दीदी, वो बहुत प्यारी रंगोली बनाती हैं। थोड़ी देर में आती होंगी, चलिए उनके आने से पहले देखते हैं। अच्छा उषा नहीं आ रही है? क्या उषा दी की तबीयत खराब हो गई है? पर मैं तो इतने सारे कलर्स ले आई हूँ। ऋषि कोई सजेस्ट करना। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। दी आप एक काम करो, किसी और को बुला लो, कोई और बना देगा रंगोली। अच्छा हम कोशिश करके देखते हैं, पर पक्का नहीं। हाँ देखते हैं हम कोशिश करके। कोनो को बुलाने का जरूरत नहीं है। मतलब? मतलब ये कि रंगोली ना हम बनाएंगे। आप सीरियसली आपको रंगोली बनानी आती है? हाँ हाँ हमको रंगोली बनाना आता है ना, बहुत बढ़िया बनाते हैं। वैसे एक बात बताएं, हमारे गांव सोनबरसा में ना हमारी माई हमेशा हमको बोलती थी रंगोली बनाओ रंगोली बनाओ, ठीक से बना पगलेट। पता क्या हो जाता था, हम बना नहीं पाते थे, इतना मार खाते थे ना बेलन से कि एक दिन हम सोचे बेलन से मार खाने से तो अच्छा है कि हम ना ये रंगोली बनाना सीख ही ले। चलो ये तो अच्छा है, गुंजा की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और साथ ही साथ लाजो का एग्जाम भी हो जाएगा। I can't believe. I still can't believe आप रंगोली बना सकती हैं। एक काम करते हैं, अगर हम रंगोली ठीक से नहीं बना पाए ना तो जो तुम मांगोगी ना वो हम देने को तैयार हैं। कुछ भी? हाँ कुछ भी, लेकिन जो हम दे सकते हैं ना वही मांगना, कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं मांगना। तो ठीक है सोच लो, आपके लिए सबसे प्यारा कौन है? वो हमको नहीं पता, पर हाँ एक बात जरूर जानते हैं, हमारे बाल। हमारी माई कहती है कि हमारे बाल बहुत सुंदर है, पूरे गांव में सारे लड़की लोग ये बोलते थे। हमारी माई हमको ऐसे मार मार के ना हमको बोलती थी कि तेल डालो, ख्याल रखो, ऐसा खुला छोड़ के बाहर नहीं घूमो। फिर भी हाल है,
और फिर भी कहती है हमारी माई कि बहुत सुंदर है, तो हमारे बाल सबसे प्यारे हैं। तो ठीक है, अगर आपने अच्छे से रंगोली नहीं बनाई तो मैं आपके बाल काट दूंगी। आपकी सासू माँ की जैसे। नहीं नहीं नहीं,